चीज़ मुझे दिख गई है वह आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वैसे तो हम एक, ये अगर आप लोगों को शो हो रहा हो, यहाँ पे जो है हमारी नेबर कैसे भी इफ्तारी आई है, आयशा वालों कैसे आई है ये इफ्तारी, गुजर जाएंगे और हमारे तो मार्केटों में आप गुजरेंगे क्योंकि आप 10 के। अस्सलाम वालेकुम आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग एंड अदर व्लॉग में हमारे सहयोग। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है, और आज जो है 10th इफ्तार की जो है तैयारी हो रही है और उसके बाद जो पहला शब खैर कल रात को ही मतलब तरावी वगैरह होकर ख़त्म हो गया और अभी जो है 10वां मतलब 10 दिन जो है रमज़ान के गुजर चुके। तो क्या ख्याल है मिसेस सोहेल, मार्केट में कब छापा मारना है? अरे बेटा मैंने कल तुम्हें बिरयानी नहीं खाने दी है ना, तो तुम नहीं रोना नहीं, मैंने तुम्हें बाबा के यहाँ ले जाऊँगी, बाबा पुलाव वो जो हैदराबादी पुलाव है, हाँ हैदराबादी पुलाव वहाँ ले जाऊँगी, वहाँ ले जा करके डाइनिंग में बैठा के तुम्हें खिलाऊँगी। वहाँ का खाना खा के मारिया बीमार भी नहीं होती है और सेफ्टी भी बहुत है। 1.5 ना इतना नहीं खाते, एक पौका पी है। तो कब किसी दिन चलेंगे मार्केट, तो वापसी पे चलो बाबा के डाइनिंग में ट्राई करते। चलो सही है, वीडियो का सभी का मेरी रील भी बनाएगी, इसके बाद आपको आएगी वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं बना रही हूँ पकौड़े, मिसेस सोहेल बना रही है शीर खोरमा, लेकिन जैसा कि ये हेड ऑफ होम है तो ये बनाती है शेर का कोरमा। क्या ख्याल है? और मुझे यहाँ पे कहना था भाई हीना खुर्रम, कल आपको कमेंट जो आया था सवेरा खुर्रम माय लव लिटिल एंजल बेबी, तो मैंने जो है उस वक्त जो है हीना खुर्रम मैंने सवेरा का नाम जो वॉइस ओवर में ले लिया था। आपका कमेंट आया था, वीडियो एडिट हो चुकी थी, तो अभी मुझे फिर से कहना है भाई सब मुझे आप सवेरा जो खुर्रम है उसके नाम से मुझे लग रहा है कि सवेरा मतलब कि हम सवेरा जो है समझते हैं कि एक सवेरा नई शुरुआत। तो बच्चे आप जो अपने पेरेंट की लाइफ में जो है नया सवेरा लाती रहो, हर दिन खुशियाँ लाती रहो और सब कुछ बहुत अच्छा करो। जैसे कि आपकी मामा जो है हीना खुर्रम बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मुझे लगती है उनकी, वैसे जो है आपकी लाइफ भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहो बेटा, बहुत खुश रहो, बहुत नसीबों वाली बनो, अपने वालिदैन के लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल अपना बनाओ। चलो जी आमीन सुम्मा आमीन, लव यू मेरी जान। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, नहीं किया लाइक जल्दी से कर लो लाइक, हर दफ़ा बोलना पड़ेगा कि वीडियो मुझे लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। 10 रमज़ान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, खैर खैरियत से ये गुजर गए हैं और आगे के भी इंशाल्लाह गुजर जाएंगे और हमारे तो मार्केटों में आप गुजरेंगे क्योंकि अब 10 के बाद से जो है वो मार्केट खुल जाती है, 10 दिन तक मार्केट मतलब बंद रहती है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ये जो है पकौड़ा, कोई पकौड़ा बना रही है, कौन सा पकौड़ा है ये? मैं स्पेशल कुरकुरे पकौड़े बना रही हूँ जो कि मैं पकौड़े वाले से रेसिपी लेकर आई हूँ और चलो आपको बता दूँ। बेसन और मैदा मिक्स करके रेसिपी कर मैं मसाला किचन में अपलोड कर दूँगी और मैदा और बेसन मिक्स करके मैं पकौड़े वालों से रेसिपी लेके आई हूँ। तो मार्केट जाएंगे तो घूमती है आपकी मारिया, ऐसे थोड़ी घूमती है, आप खोल के कान खोल के घूमती है। मार्केट जाएंगे तो आप लोग को भी साथ लेकर जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। मामा कब जाएंगे? जोर से बोला करें, फैन ऑन है। मारिया ही बनाएगी लस्सी से, मैं बना रही हूँ दही से। ये देखें शर्मिंदा मारिया, दही से मैं बना रही हूँ और वो अब जामेश्वरी की लस्सी, कल मैंने दही जो जमाई थी ये वो उसी से ये बन रहा है। ये देखें लस्सी पाटे लस्सी पी दी है तभी क्या तुम मतलब कि एक बाल्टी लस्सी पी सकती हो। ये चेक करें 10 दिन में यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये ख़त्म होगा तो एक और आएगा। तो इस साल कितने का टारगेट है बोतल? 10 दिन में ख़त्म हुआ तो 10 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। 3 का टारगेट है इस साल, 3 का टारगेट है। चलो ये बना, ये देखें भाई ये इसमें डाल के, वैसे काफ़ी लोग ये आजकल कर रहे हैं, सभी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो देख लें। इफ्तारी में भी सेरी में भी इफ्तारी में भी हमारा खान पिटा, यानी वो दिन दूर नहीं है जब सभी का आधी बाल्टी लस्सी, एक बकरा, 4 सब्जी। सभी का चीं चौंक तो करके दिखाओ कभी तो। अच्छा ये ग्राइंडर में ग्राइंड बहुत अच्छे से होती है पर मेरा ग्राइंडर खराब है। हाँ और इतने मेहनत कौन करे है ना, नहीं मैं मेहनत कर लेती, जैसे ये दाने हो गए ना ग्राइंड में, ये सेट हो जाएगी अभी। हाँ वैसे नहीं होती ग्राइंड में, बहुत अच्छी सी ग्राइंड हो जाती है। चलो क्या बात है, एक चीज़ मुझे दिख गई है वह आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वैसे तो हम एक, ये अगर आप लोगों को शो हो रहा हो एक दो दिन बाद ही अपडेट करते हैं क्योंकि कम हो जाते हैं पॉइंट्स देख के। और मम्मा को बताओ, मारिया को बताओ मम्मा ये देखें 4000 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुन लिया, बिल्ली ने सुन लिया 4000 तब दोनों बैठ को मुबारक हो, तुम भी और पप्पी ले लो 4000 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 10 पहले अशरे में ये तोहफा हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाओ दिखाओ, अरे वाह मुझे दिखाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत आप सबको जो है बहुत बहुत दिखाओ तो, अरे क्या देखोगी के 4K दिखाओ। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भाई, आप सबकी वजह से हुआ ये, आप लोगों का भाई है। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। डार्क साइड थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। बिलाल ब्रदर्स थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। मोहम्मद उमर थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और हिना खुर्रम भाई नाम लेना तो बनता है प्यारी प्यारी एंजल्स का। हाँ मुझे तो वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार है, बहुत अच्छे प्यारे लगते हैं। और आपने भी मुझे प्यारी सी गुड़िया सवेरा का नाम बता दिया। चलिए इफ्तारी जो बन चुकी है और आज जो है मैंने यहाँ पर जो है वो मिक्स पकौड़े जो है फ्राई किए। और ये घी में फ्राई करने से आपको पता है वेट बहुत हल्का हो जाता है पकौड़ों का, और बहुत अच्छे से ना फ्राई होता है। तो आज मैंने घी में इसको फ्राई किया, रोज़ जो है घी नहीं यूज़ करती हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे शिरकोरमा जो है वो ममा ने बनाया है। ये देख लें भाई शिरकोरमा ममा ने बनाया, काफ़ी दिन से कही थी इफ्तारी में शिरकोरमा बनाएंगे किसी दिन। और ये रोल और समोसे जो हैं थोड़े फ्राई किए हैं ममा ने। समोसे जो हैं सिर्फ पापा के लिए फ़्राई किए हैं और बाकी रोल वगैरह हम लोग के लिए फ़्राई किए हैं। और ये रही हमारी इफ्तारी। यहाँ पे जो है हमारी नेबर के यहाँ से भी इफ्तारी आई है, आयशा वालों के यहाँ से आई है ये इफ्तारी। और ये देख लीजिए कितने मज़ेदार जो हैं दही फुलके आए हैं, ये फ्रूट चाट आया है और ये पापड़ी चना चाट। एक्चुअली प्याले आपको मेरे लग रहे होंगे, आप बोलेंगे मेरे, लेकिन मेरे नहीं है। उस दिन जो मैंने फ़र्स्ट इफ्तार में मैं ले गई थी ना, वो उसी प्याले में भाभी ने ये सारी चीज़ें दे दी हैं। और यहाँ पे अब बताते हैं आपको मज़े की चीज़ें आई हुई हैं। खजूर हैं और क्या है भाई ये मज़ेदार से आलू के मेरे फेवरेट। और ये पकौड़े भाई, ये भाभी बहुत मज़ेदार पकौड़े बनाती हैं, इनके हाथ के पकौड़े मुझे बहुत पसंद है तो ये तो मैं ज़रूर खाऊंगी। और ये समोसा है और रोल है। चलिए जी इसको जो है जल्दी जल्दी से प्लेट में निकालते हैं और फिर जो अब इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, आपको बाहर का रिव्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है इफ्तारी वगैरह हो चुकी है और मतलब वगैरह से फ्री होने के बाद हमने चाय पार्टी की। और चाय पार्टी तो भाई ज़रूरी है इफ्तार के बाद, तो उसके बाद जो है अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में मैं क्यों आई हूँ मैं आपको अभी बताती हूँ। मुझे जो है कुछ रोल्स वगैरह बनाने हैं, संडे की प्रिपरेशन मैंने थोड़ी थोड़ी सी करके स्टार्ट कर दी है। और मुझे यहाँ पे कहना था कि लाइफ विद रुहान हुसैन, अच्छा भाई ये तो हो गई गलती मुझसे, तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम जो है ये ख़त्म हो जाएगी, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है आपने सईद गनी जो है रिकमेंड किया है, तो मैं सईद गनी जो है ज़रूर उसको ट्राई करूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखी, कमेंट किया। और भाई आई एम सॉरी मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस पॉन्ड्स के बारे में कि ये कहाँ का है, और सॉरी अगेन। इसके साथ ही जो है मुझे यहाँ पे कहना था अरमान हसन आप कह रहे हैं बिन हाशिम के सामने, मेरे ख्याल से आप वही कह रहे हैं जो हम लोग गए थे टॉस ग्रिल। और टॉस ग्रिल हम लोग गए थे जो खाना बहुत मज़ेदार था, और आप वहाँ उसके सामने जो रेड एप्पल है आप मेरे ख्याल से वही कह रहे हैं है ना। तो जाएंगे वो सब जगह जाएंगे क्योंकि जाए बिना तो रहा भी नहीं जाता है, हम लोग तो जाते ही रहते हैं। अब देखें रमज़ान में हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि रमज़ान में ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि आप ब्लॉग देखते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से जो है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, 4K सब्सक्राइबर्स हमारे डन करने के लिए दिल से बहुत शुक्रिया। चलिए जी वीडियो को कर लीजिए जल्दी से लाइक, अगर भूल गए लाइक करना जल्दी जल्दी से कर लीजिए लाइक। और चलिए फिर रोल बनाते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। कल की वीडियो में आपने देखा होगा क्रिसेंट रेस्टोरेंट से जो है मैं रोल्स की शीट लेकर आई थी। ये बहादुराबाद में जो क्रिसेंट रेस्टोरेंट है उसी की जो है ब्रांच गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक 18 परफ्यूम चौक पे ओपन हुई है। और इनकी शीट्स जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। और इस बार जो है इन्होंने मुझे 320 रुपीज़ की जो है 50 जो है रोल शीट्स यहाँ पर दी थी, जिसको कल लाने के बाद मैंने अच्छी तरीके से 2 से 3 जो है शॉपर में करके इसको फ्रिज में रख दिया था। और अभी जो है रोल की स्टफिंग वगैरह बनाने जब मैं किचन में आई तो मैंने जो इतनी देर इसको फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पर रहने के लिए रख दिया था कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ताकि शीट जो है ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो अच्छी तरीके से फिर वो बन जाती हैं। इनके यहाँ की शीट जो है बहुत अच्छी होती है, टूटती नहीं है और बहुत परफेक्ट रहती है यहाँ पर। और मैं जो अभी स्टफिंग वगैरह जो है मैंने बना ली थी और मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की कि आप भी क्या सोचेंगे कि हर बार एक ही रेसिपी फिर अच्छा नहीं लगता है हर वीडियो में, क्योंकि मैंने बहुत बार जो है स्प्रिंग रोल्स की जो है वेजिटेबल स्टफिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, चिकन स्टफिंग की हुई है। खैर यहाँ पर तो मैं मिक्स वेजिटेबल और चिकन वाले बना रही थी, सिंपल वाले। क्योंकि मामा कह रही थी कि भाई वो छोटे छोटे जाले जो रोल्स हैं ना वो तो अब ख़त्म भी खैर हमारे घर में होने को थे, लेकिन वो मैं इफ्तार में जो है बांटूंगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छे नहीं लगते इतने छोटे छोटे से रोल। तो ये थोड़ी पूरी शीट के बड़े रोल्स बनाओ। पहले तो हमारा प्लान था एक एक दिन करके जैसे करके एक एक घर में जो इफ्तार दे देंगे, लेकिन फिर मामा ने कहा कि एक ही दफ़ा जो है एक दिन पूरा एहतमाम करके पूरी सेटिंग से जो है सही से ये एक ही दिन जो है निपट जाते हैं। फिर समझ में नहीं आता एक दिन उसके यहाँ एक दिन उसके यहाँ, तो फिर सही नहीं रहता है, मसले हो जाते हैं। तो एक ही दिन जो है तुम ये पूरा कर लो। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिशेस तो नहीं रखा था क्योंकि आपको पता है कि गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने सिर्फ लिमिटेड डिशेस ही रखी थी जो कि ईज़िली जो है फ्राई भी हो जाए टाइम टू टाइम। और पहले से जो है मैं कुछ को तो है कुक करके जो है फ्रिज में डिज़र्ट वगैरह जो है ना मैंने रखा है, ताकि मैं उसको बना के ना सुबह के टाइम फ्रिज में जो है सेटल करने रख दूँ। तो इससे जो है हमारी टाइम सेविंग भी होगी और फिर गैस के हिसाब से भी हमें जो है काम करना होता है। गैस सारा दिन रहे तो चले, इंसान तो फिर सारा दिन ही कुछ ना कुछ बनाता रहता है, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का भी ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था। और अब मैं जो सारे रोल बना लेती हूँ। यहाँ पर जो है रोल्स बन चुके हैं और ये तकरीबन जो है कोई 50 के करीब जो है ये रोल्स होंगे। और चले जी अब मैंने इनको जो है बना लिया है और अब संडे को जो भी होता है मतलब करके बस अब फाइनल बस कर दिया। अब मैं और नहीं बनाऊँगी, मामा ने कहा अब और बनाने की ज़रूरत नहीं है। चले इस वक्त जो है हम लोग सारे काम वगैरह से फ्री हो गए हैं और काफ़ी जो है रात भी हो गई। अब थोड़ी देर जो आराम करेंगे, फिर सहरी का टाइम हो जाएगा। और इसी के साथ ही वीडियो करते हैं एंड के साथ ही। मुझे कहना था करीम ओडेजा थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, सामा फजान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, जॉय कॉर्नर भाई आपको भी जो है कॉन्ग्रेचुलेशन के 4K जो है कम्प्लीट हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है पहले ही हमसे पहले ही वीडियो देख ली थी, बहुत बहुत लव यू। और भाई आप सबकी ये खुशी है। इसी के साथ ही वीडियो करते हैं एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक पे जो है हमें कर लीजिए फॉलो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।